चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जो पांचवा था हमारा एक्सरसाइज 2.3 का, उसका पार्ट नंबर जो थ्री है जिसमें कहते हैं घात आर एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बताने की पहले मैं इसके पहले का क्वेश्चन बता दूं कि जिसमें मैंने बी एस को माना था, क्यू एस को माना था, आपको सॉल्व करके दिखाया, और हमने आर एक्स भी लिया था, और बात ही बात में हमने भागफल जो होता है जी एक्स उसको भी हमने ले दिया था। अगर उसको हम नहीं लिखते तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो लास्ट में फाइंड होता है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे हमें डेफिनेटली मन में लाएंगे, तो उसको पहले लिख दिया गया। अगर नहीं भी लिखेंगे तो क्वेश्चन में चल जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर पी एक्स लिखा और यहाँ पर क्या बोलते हैं आपको क्यू एक्स लिखा और आर एक्स लिखा, तो आपके मन में आएगा यहाँ पर जी एक्स आपने क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वो हमारे पास लास्ट में फाइंड होगा, उसके पहले क्वेश्चन में भी फाइंड होना था, फिर आपने क्यों लिख दिए, लिख दिया हूँ मैंने, आप चाहें तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? अगर लिख दिए हैं तो प्रूफ हो गया कि जो हमने अगर लिख दिए हैं तो वो जो हम लास्ट में फाइंड कर रहे हैं जी एक्स, वो वही आ रहा जो लिख दिए हैं। या फिर एक प्रश्न उठता कि आपको कैसे मालूम कि जी एक्स पहले वो था, तो वो हमारे पास आंसर हमको टैली करने पे हमको कंफर्म था, या हमने उसको कच्चे में करके कर कहीं देख लिया था, या हमने कोई टेक्निक से निकाल लिया था, तो पहले लिख लिया कि भाई जी एक्स ये या तो लास्ट में वही निकला, आप समझ गए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब ये क्वेश्चन में जब हमने जी एक्स बराबर दो लिखा, तो आप बोलेंगे दो क्यों लिखे, क्यों? क्योंकि जो पी एक्स है, जो पी एक्स जो होता है हमारा भाज्य होता है, और क्यू एक्स होता है जो भाजक होता है, भाजक से भाग में भाज्य में कभी भी हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो अगर टू ऑलरेडी ले रहे हैं तो एस की घाट कितनी जाएगी भाई पर फोर, जिसका गुणा किसमें करेंगे दो में करेंगे, तो दो एक्स स्क्वायर एस टू दो और फोर हो जाएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अर्थात क्या हो जाएगा, विभाजन एल्गोरिथम का हम प्रयोग करने से हम बार बार उसको ना लिख के सीधा लिखते हैं, टू एक्स टू द पावर फोर प्लस एट एक्स क्यू प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस यहाँ पर क्या आ गया अपना 12 आ गया। अब यहाँ पर चूंकि हम भाग दे रहे हैं दो से, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि आप इसको लिख दीजिएगा काय के स्थान पर लिख देंगे, आप जल्दी बताएं, तो ये हो जाएगा आपका भाज्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भाज्य, और इसके स्थान पे आपने दो से लिखा, ये दो है आपका। अब देखिए आपको यहाँ दो एस की घात चार लाना है, तो मात्र और मात्र एस की घात चार जैसे ही आप लिखते हैं तो दो में गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, दो एस की घात क्या हो जाएगा, ये चार हो जाएगा, ये माइनस करेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, कहानी खत्म, क्या बच गया, उसको पूरा नीचे उतार देंगे, एट एस की घात इस तरीके से कैंसिल आउट होते 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 हम नीचे तक के बिल्कुल पहुँच जाएंगे, इसलिए हमने मात्र वहाँ दो लिया था, क्योंकि हमको एस की घात चार लाना है, और एस की घात चार यहाँ जो आ रहा, तो ये जो आइटम आने वाला है हमारा, ये क्या आने वाला है, हमारा भागफल आने वाला है, जो भागफल आने वाला है यही हमारा जी एक्स होने वाला है, और जो जी एक्स होने वाला है यही हमारा आंसर हो जाएगा, और आर एक्स जो है वो हमारा घात क्या होगा, जीरो, तो वो जीरो, तो शेषफल जीरो हो जाना चाहिए, तो प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये क्या थी हमारी आर एस की घात, क्या लेके चले थे हम, जीरो लेके थे, ये प्रूफ हो जाएगा। चलिए चलते आगे, अब एट एस की घात क्या लाना है, आपको थ्री लाना है, एट एस की घात थ्री लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ चूंकि ऑलरेडी दो है तो अच्छा, अब यहाँ पर आठ के आगे धन है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, धन, और हमने लिख दिया यहाँ चार एक्स की घात क्या लिख दिया, तीन, क्यों, क्योंकि चार दुनी तो बच जाएगा आठ, और एस की घात जब तीन है तो यहाँ तो एक्स था ही नहीं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, एस की घात यहाँ लिखेंगे तीन, सिर्फ एक ही बार अंक उसमें हमको कट जाएगा, ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ क्या बच गया, सिक्स एस स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस 12 हो गया, अब क्या होगा, कुछ नहीं है, अब यहाँ सिक्स एक्स स्क्वायर लाना है, तो कैसे लाएंगे, इसके आगे प्लस है तो यहाँ प्लस लगा दो, अब प्लस लगाने की बस जस्ट बाद में, अगर आप यहाँ लिखते हो थ्री एक्स स्क्वायर लिखते हो तो ये हो गया तीन दूनी छः हो गया, और एक्स स्क्वायर तो साथ में आएगा ही आएगा, ये हो गया, ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है कि इसमें एक स्टेप इसे कैंसिल हो गया, अब क्या आ गया, चार एक्स प्लस 12 आ गया। अब हमको यहाँ पर दो है, यहाँ चार एक्स है, तो अगर हम यहाँ दो एक्स लिख देते दो दूनी तो हो जाएगा यहाँ चार, साथ में जाएगा एक्स, और ये फिर माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो बच गया यहाँ पर हमारे पास 12, कितना बच गया 12। अब यहाँ पर हम क्या कर दें कि 12 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर सीधे सीधे प्लस अगर 6 कर देते हैं, देखो प्लस क्यों आए, क्योंकि 12 क्या है हमारे पास, यहाँ क्या है प्लस है, हमने बोला यहाँ का जो चिन्ह होता है यहाँ आता है, तो 6 दूनी 12 हो गया, अब जब 12 हो गया तो हमको तो घटाना है, माइनस हो गया, ये कट गया, तो शेषफल क्या गया, जीरो हो गया, जो कि हमारा क्वेश्चन था कि घात जो है आर एस की घात क्या होनी चाहिए, जीरो, तो हमको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा अर्थात जी एक्स, जी एक्स मतलब क्या था, हमारा भागफल था, और वो कितना आया है, वाया एक्स टू द पावर फोर प्लस फोर एस क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स आ गया, ये आ गया है, एंड जो हमारे पास आर एक्स था, मतलब जो क्या थी शेषफल था, उसकी घात क्या थी, जीरो थी, ये हमारे पास प्रूफ हो गया था, ये आंसर आ गया, और हमने किया क्या इसको, इसको सॉल्व किया, आपने बोला पूरा समझ में आ गया, हमने सॉल्व तो लिखा ही नहीं है, ये
ये आपको तीनों के तीन पार्ट। तो इस पार्ट को हमने दिया है 28 इस पार्ट को, क्वेश्चन नंबर 5 का, और इसके पहले क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 को हमने दिया था 27, और पार्ट नंबर जो फर्स्ट था उसको दिया था 26। एक ही में तीनों कर देते तो ये वीडियो कम से कम 20 से 22 मिनट की बन जाती। समझदार स्टूडेंट्स कंटिन्यू देख लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर एक एक पार्ट देखते जाते कम से कम समय में होते जाता है, इसलिए इसको अलग अलग मैंने कर दिया है। और इसके थंबनेल से आपको समझ में आएगा कि पार्ट 1, 2, 3 में लिख दूंगा क्वेश्चन 5 का। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया है। इसके बाद में अपना 2.4 चलेगा, और यहाँ पर आके 2.3 हमारी एक्सरसाइज जो थी वो ख़त्म हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी है। और आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिएगा, क्वार्टरली एग्जामिनेशंस, हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस एंड प्री बोर्ड एंड एनुअल एग्जामिनेशंस, क्या पद्धति में चेंजेस आएगा नहीं आएगा, आप अपनी तैयारी रखिएगा। और कोरोना काल में हम लोग घर में बैठे बैठे आराम से तैयारी करते रहें, इसके लिए वीडियो पूरे डिटेल्स में आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। और भले दो दो तीन तीन मिनट वीडियो में एक्स्ट्रा भी ले रहे हैं कि आपको कहीं पर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि 2.4 एक्सरसाइज हमारी चालू हो जाएगी, और घर बैठे आपको ये कम से कम मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गए। तो अन्य विषय तो ऐसे रहते हैं कि आप अपनी मदद से अपने जो सॉल्व रहते हैं या गाइड रहते हैं, जो भी सॉल्यूशन रहते हैं, नोट्स रहते हैं, उससे या यूट्यूब की मदद से या अन्य भी ऐसे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे, उससे तैयारी कहीं ना कहीं करते रहेंगे। बट अपने रिजल्ट को बेस्ट लाने की ही कोशिश करेंगे, क्योंकि अपना कैरियर तो अपने को ही बनाना है, निर्माण करना है, ये कन्फर्म है। और इन्हीं शब्दों के साथ आपको शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट।